पिछले 6 महीने से देश के ऑटो सेक्टर में मंदी चल रही है, और ये मंदी कम मंदी गई नहीं, बिल्कुल भी पूरी तरह से गई नहीं, और इससे देश की सबसे बड़ी मोटर कंपनी टाटा मोटर्स भी अछूती नहीं है। हालांकि नवरात्र और दिवाली के वक्त सेल में बूस्ट जरूर आया था, लेकिन वापस से फिर वही दौर आ गया कि मंदी है। मंदी का मतलब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल वाहन बिक नहीं रहे, लेकिन पहले के मुकाबले जो आम दिनों में बिकते थे वो बिल्कुल आधे बिक रहे हैं। सरकार ने इसका ठीकरा ओला और उबेर के ऊपर फोड़ दिया था, लेकिन लोगों का मानना कुछ और था कि जब लोग ठीक से कमा ही नहीं पा रहे तो गाड़ी लेने का सोचेंगे कैसे। खैर, टाटा मोटर्स का एक बयान आया है। जब टाटा मोटर्स से पूछा गया कि भैया इतनी मंदी है, सभी कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर चुकी हैं, तो क्या आपकी कंपनी में भी एक बड़ी छटनी होने जा रही है? क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि टाटा मोटर्स भी छटनी के बारे में सोच रही है। उसके बाद टाटा मोटर्स के कुछ अधिकारी का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और हम मानते हैं कि मंदी है। पिछले 30 साल में ऑटो सेक्टर ने ऐसा वक्त नहीं देखा, यानी कि टाटा मोटर्स भी मानते हैं पिछले 30 साल में इतनी लंबी मंदी कभी नहीं आई जितनी अब चल रही है, और यह मंदी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन टाटा मोटर्स ने साथ ही साथ कहा, जिसको अगर हम अपना एम्प्लॉय बनाते हैं तो हम उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जब तक हम उनको रख सकते हैं हम रखेंगे, और अभी फिलहाल कोई छटनी नहीं हो रही और ना भविष्य में छटनी करने जा रहे हैं, और हम थोड़ा कम मुनाफा कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को हमने रखा है और वो हमारे लिए काफ़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हम अपने उन एम्प्लॉयज़ की हम छटनी नहीं करेंगे। और टाटा मोटर्स के इस बयान ने लोगों का दिल जीत लिया। हर लोग कह रहे हैं कि रतन टाटा के लिए आज दिल में इज्जत और बढ़ गई। जाहिर सी बात है, रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को अपने खून पसीने से सींचा, और उनके ही सिद्धांतों पर टाटा मोटर्स चलती है। रतन टाटा वो शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड जैगुआर तक को इंडिया में बेचने का कॉपीराइट ले लिया था, और उनको पूरी दुनिया मानती है एक सादगी वाला व्यक्ति, और उनकी सादगी की दुनिया दीवानी है। रतन टाटा आसानी से भारत के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे, अमीर ना सही टॉप 2 में तो आ सकते थे, लेकिन अपने 65% इनकम डोनेट करने की वजह से वो कभी बने नहीं, और उन्होंने कभी बनना चाहा भी नहीं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया इंसान हो तो रतन टाटा जैसा हो। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।